Hello students, good morning. As you know, lesson number 7, multiplication is going on. So today, we completed this assignment, class assignment 7B. Okay? And today, we will solve home assignment 7B. So now, let's start this assignment. Clear? Write the multiplication statement and product for the following number lines. क्लियर. तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इस नंबर लाइन के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट लिखना है और प्रोडक्ट लिखना है. ठीक है. तो जैसे आपने पिछला वाला असाइनमेंट सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी की तरह आप ये असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, सेम क्वेश्चन है. सो टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. तो आप देखेंगे यहाँ पे एरो जो है कितने टाइम ये जंप कर रहा है, 3 टाइम जंप कर रहा है. 1, 2, 3 3 टाइम जंप कर रहा है, तो लिखेंगे हम 3. जब 3 टाइम जंप कर रहा है ये एरो, तो लिखेंगे हम 3 सबसे पहले. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे. ओके, अब ये जो नंबर लाइन जंप कर रहा है, कितने नंबर्स का डिफरेंस लेके जंप कर रहा है, कितने नंबर्स को स्किप करके ये जंप कर रहा है, तो काउंट करेंगे. 0 को छोड़ेंगे, 0 नहीं काउंट करेंगे, 1 से काउंट करेंगे. 1, 2, 3. ठीक है, 3 नंबर को स्किप कर रहा है. ठीक है, चाहे फिर हम फिर से हम काउंट कर लें, यहाँ पे 3 को छोड़ेंगे, 4 से काउंट करेंगे. 1, 2, 3. ठीक है, सेकेंड एरो कहाँ पे आकर रुक रहा है, 6 पे. अब थर्ड एरो कहाँ पे आकर रुक रहा है, 9 पे. तो काउंट करेंगे इसको भी, 1, 2, 3. 6 को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि काउंट हो चुका है, तो काउंट करेंगे 7 से. 1, 2, 3. ठीक है, तो ये जो एरो जंप कर रहा है, कितने नंबर्स का डिफरेंस लेके जंप कर रहा है, कितने नंबर्स को स्किप करके जंप कर रहा है, 3, 3. ठीक है, 3, 3 नंबर्स को स्किप कर रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3. ये एरो कितने टाइम स्किप किया है, जंप किया है, 3 टाइम, तो हमने लिखा 3. ठीक है, और कितने नंबर्स का डिफरेंस आया है, कितने नंबर्स को स्किप किया है, 3, 3 नंबर को स्किप किया है. ठीक है, क्लियर. और ये जो हमारा लास्ट एरो जो है, कहाँ पे आके स्टॉप हुआ है, लास्ट एरो 9 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9. ठीक है, क्लियर. तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जहाँ पे लास्ट वाला एरो आके रुकेगा वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा. ठीक है, जिस नंबर पे लास्ट वाला एरो रुकेगा वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा. तो ऐसे भी अगर हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3, 3 से कितना होता है, 9. ठीक है, 9. अगर आप टेबल भी रीड करें 3 का, 3, 3 से 9 होता है. ठीक है, और ये एरो भी लास्ट एरो कहाँ पे आकर रुके, 9 पे, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ 9. क्लियर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब इस एरो को देखेंगे, नंबर लाइन के ऊपर कितने टाइम ये जंप कर रहा है, 2 टाइम जंप कर रहा है. 1, 2. तो सबसे पहले लिखेंगे 2. 2 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि 2 टाइम ये एरो जंप किया, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे 2. क्लियर. अब लिखेंगे कितने नंबर्स को स्किप कर रहा है ये. ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर्स को स्किप करके ये एरो जो है जंप कर रहा है, तो हम काउंट करेंगे. तो हमको पता है हम किस नंबर से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो क्या पता चला हमें, 6 नंबर को स्किप कर रहा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 6. क्लियर, ओके. इसको भी काउंट कर लेते हैं, कितने नंबर स्किप कर रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो पता चल गया कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, कितने नंबर्स को स्किप किया गया है, 6 नंबर को. इस 6 नंबर को स्किप करके ये एरो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है. क्लियर, तो हमने लिखा 6 यहाँ पे. ये 2 टाइम एरो जंप किया है वो है. ठीक है, और कितने नंबर्स को स्किप किया है, 6 नंबर को स्किप किया है, तो हमने लिखा 6 यहाँ पे. क्लियर, और लास्ट एरो किस पे आके रुका है, 2 एरो है, और दूसरा जो लास्ट है वो किस नंबर पे आके रुका है, ये एरो 12 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 12. तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा. ठीक है, अगर हम 2 की टेबल रीड करते हैं, 2, 6 कितना होता है, 12. इस तरह से हमने आंसर को क्रॉस चेक कर लिया. क्लियर,
कम टू द थर्ड क्वेश्चन, देखिए एरो टू टाइम जंप कर रहा है, डायरेक्टली हम लिखेंगे टू, नो कन्फ्यूजन, ओके, मल्टीप्लिकेशन साइन। कितने नंबर्स को यहाँ पे स्किप किया गया है, काउंट इट, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, फोर फोर नंबर्स को यहाँ पे स्किप किया गया है, ठीक है, लिखेंगे हम फोर। कितने नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे, कितने नंबर्स को स्किप किया गया है, फोर फोर नंबर को स्किप किया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोर, ठीक। तो ये लास्ट एरो कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, किस नंबर पे, एट पर स्टॉप हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट। तो टू फोर जा कितना होता है, एट, क्लियर। कम द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। अब देखेंगे ये एरो हम काउंट करेंगे कितनी टाइम ये एरो जंप कर रहा है, 1 2 3 4 5, फाइव टाइम ये जंप कर रहा है, तो हम लिखेंगे फाइव यहाँ पे, क्लियर, मल्टीप्लीकेशन साइन। और कितने कितने नंबर्स का यहाँ पे, कितने नंबर्स को यहाँ पे स्किप किया है, 1 2 3, ठीक है, थ्री को छोड़ा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, थ्री थ्री नंबर्स को यहाँ पे स्किप किया गया है यहाँ पे, क्लियर। और ठीक है, तो ये हमारा थ्री नंबर का डिफरेंस हुआ यहाँ पे, थ्री नंबर को स्किप किया गया, थ्री थ्री नंबर को लिखेंगे यहाँ पे थ्री नंबर्स को यहाँ पे स्किप करके ये एरो जंप कर रहा है, थ्री थ्री नंबर्स को स्किप करके ये एरो जंप कर रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे थ्री, ओके, थ्री नंबर्स का डिफरेंस है, लिखेंगे यहाँ पे थ्री। और ये लास्ट एरो किस नंबर पे रुक रहा है, 15 पे, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15, सो 5 3 15, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। वन टू थ्री, ये एरो कितने टाइम जंप कर रहा है, थ्री टाइम, थ्री टाइम जंप कर, लिखेंगे थ्री, मल्टीप्लिकेशन साइन। अब देखेंगे कितने नंबर्स को ये स्किप करके जंप कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फोर फोर नंबर को स्किप करके ये जंप कर रहा है एरो, लिखेंगे हम फोर, फोर नंबर को स्किप कर रहा है ना, फोर फोर नंबर को, लिखेंगे हम फोर, क्लियर। और ये लास्ट एरो किस नंबर पे आके रुक रहा है, स्टॉप हुआ किस नंबर पे एरो, 12 नंबर पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12, ठीक है। अब हमें क्रॉस चेक करना हो आंसर, तो क्या करेंगे, थ्री की टेबल रीड करेंगे, थ्री फोर से कितना होता है, 12, ये 12 हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, 1 2 3 4, ये एरो कितने टाइम जंप कर रहा है यहाँ पे, फोर टाइम, 1 2 3 4, फोर टाइम जंप कर रहा है, लिखेंगे फोर, मल्टीप्लिकेशन साइन। और कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, कितने कितने नंबर को स्किप करके ये जंप कर रहा है, काउंट इट, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, तो फाइव फाइव नंबर्स को स्किप करके ये क्या कर रहा है, एरो जंप कर रहा है, तो लिखेंगे हम फाइव, फाइव नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना, फाइव फाइव नंबर को लिखेंगे यहाँ पे फाइव, तो फाइव फाइव नंबर को स्किप करके ये एरो जंप कर लिखा हमने, इसलिए फाइव, ठीक है। तो लास्ट एरो यहाँ पे देखेंगे किस नंबर पे आके स्टॉप हुआ है, 20 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20, ठीक है। अगर हमें क्रॉस चेक करना हो यहाँ से को, तो क्या करेंगे, हम फोर की टेबल हिट करेंगे, तो फोर फाइव से कितना होता है, 20, फोर फाइव से 20, ठीक है। तो ये क्लास वर्क में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन से लेकर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 6, आप इसे क्लास वर्क में सॉल्व करेंगे और बुक में ही सॉल्व करेंगे, क्लियर। अब होमवर्क पे आइए, कभी तो होमवर्क, रिकैप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल ऑफ टू, ओके, तो आपको यहाँ पे टू की टेबल कंप्लीट करनी है, टू की टेबल आपको अच्छे से लर्न होगी ही, ठीक है, तो आप यहाँ पे टू की टेबल लिखेंगे, टू की टेबल कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, कंप्लीट द टेबल, टेबल नंबर टू, ओके, टेबल ऑफ टू, तो ये आपको होमवर्क करना है, क्लियर, ये SW रहेगा आपके लिए, ओके, यहाँ पे डेट डाल देना 17, और ये SW है, ओके, ये आपका SW।
तो होमवर्क में आप 2 की टेबल यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको आंसर आंसर फिल करना है, क्लियर। यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20, ठीक है। 2 11 22, ओके। 2 12 24, क्लियर। तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट करेंगे, ओके। तो ये आपको बुक में सॉल्व करना है, क्लियर। तो बुक में क्लास वर्क होमवर्क दोनों कंप्लीट करेंगे आप।